मुझे इंडस्ट्री के बारे में पता है मुझे पता है आप इंटरव्यूज देते हैं तो कौन से लोग सिलेक्ट होते हैं किस तरह का थॉट पैटर्न है मार्केट का मार्केट में क्या हो रहा है जब ये बच्चे निकल के आते हैं दे विल हैव टू है एक्सपीरियंसेस विद देम अस्सलाम वालेकुम दिस इज जैद कुंदन एंड यू आर वाचिंग थॉट ऑन टेप एंड दिस एपिसोड टुडे वी हैव Uh, founders of Chote Sikke. Uh, I'd like to introduce Arsalan Ajmal and Sayeda Larepsha, Both are the founders of Chote Sikke. Uh, Chote Sikke, what is Chote Sikke? Can you introduce in a one liner? Zarur, so Chote Sikke is a journey. We koshish taught that early ages entrepreneurs. <laughs> this uh, is what Chote Sikke is all about. You are trying to train the brain of uh, young kids, <laughs> uh, teenagers, how to think. Of course. How to think. ओके okay. छोटे uh, सिक्के की जो टर्म है ये आपने किस तरह से किसी की इंस्पिरेशन है या इसका क्या बैकग्राउंड है ओके okay, सो so, uh, हमारा बैकग्राउंड जो रहा है वो एच से बहुत ज़्यादा रहा है एंड वी यूज़ टू टॉक टू अ लॉर्ड ऑफ किड्स मीट देम इंटरव्यू देम और हमें जो पैटर्न दिखता था ना बहुत अच्छे अच्छे बैकग्राउंड्स के बच्चे बट पता नहीं है जिंदगी में क्या करना है सो वन डे वी वर सिटिंग हमारे तीसरे पार्टनर हमारे साथ थे और उसमें हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि बच्चों को हमें अपग्रेड करने की ज़रूरत है तो एक वियर्ड आइडिया निकला कि अर्ली एज़े से बच्चों को ऑन्टरप्रिनरशिप सिखानी चाहिए अब अगला सवाल आया नाम क्या रखें एक आइडिया hmm. तो आ गया बट उसको कैसे वो करें सो so, मैंने कहा यार बच्चे हैं ऑंट्रप्रेनोरशिप इज विद मनी सो लिटिल कॉइन्ज और बच्चे सिक्के और अचानक एक आइडिया पॉप हुआ छोटे सिक्के Hmm. तो कई लोग हमसे पूछते हैं कि ये छोटे सिक्के या छोटे सिक्के है हम कहते हैं नहीं भाई ये छोटे सिक्के पहले पाकिस्तान में रहते हुए पहला आइडिया ये आता है कि खोटे सिक्के <laughs> तो, तो ये हमें बड़ा कॉमन जवाब है जो मिलता है और हम उसे क्लियर कर देते हैं ये खोटे सिक्के नहीं ये छोटे सिक्के ही है okay, ये है ये छोटे सिक्के पर्पज बिहाइंड द शो क्या है मतलब छोटे सिक्के को बनाना बच्चों को ट्रेन करना पढ़ाना ये तो इट्स ओके इट्स फाइन बट अल्टीमेट पर्पज क्या है एक्चुअली जब हमने स्टार्ट ऑफ लिया था एंड वर इंटरव्यूइंग लाइक सी लेवल से लेकर मेरा बैकग्राउंड एच आर सर है सो फ्रॉम सी डी ओस फ्राम मैनेजर्स टू एवरीबडी एक जो चीज़ हमने कॉमन पैटर्न देखी थी वो ये था कि दर इज़ अ माइनर डिफरेंस बिटवीन सक्सेसफुल पीपल एंड द पीपल हु आर जस्ट वर्किंग तो उसमें जो एक जो कॉमन थीम थी वो परसेप्शन एंड माइंड था जो सक्सेसफुल लोग होते हैं उनका माइंड सेट सोचने का तरीका वो चीज़ों को किस तरीके से लेकर चलते हैं वो बहुत डिफरेंट है एंड सिमिलरली विद परसेप्शन सो हम लोगों के जहन में आइडिया uh, एंटरप्रेन्योरशिप से ज़्यादा इन दोनों चीज़ों के ऊपर आया वाई डू पीपल हु आर सक्सेसफुल वेदर दे आर डॉक्टर्स इंजीनियर्स बिजनेस मैन हो या अपने किसी भी फील्ड के अंदर इवन पेंटर्स भी द वे दे लुक एट द वर्ल्ड इन द वे देर माइंड वर्कस एक्चुअली मेक दैम वेरी यूनिक एंड हमें सोचना नहीं सिखाया जाता हमें uh, बोलना सिखाया जाता है हमें लैंग्वेज पे काम होता है स्किल्स पे काम होता है सोचने के ऊपर कोई चीज़ नहीं होती है एंड देन वी केम अप विद द फैक्ट दैट कि हमने जितने भी ऑन्टरप्रन्योर्स uh, देखे उनको एक चीज़ एडिशनल सिखाई जाती है या वो उनकी लाइफ का पार्ट होती है विच इज़ फेलियर हम फेलियर को बहुत uh,

फेलियर्स आते हैं तो मुझे किस तरह उन्हें अप करने की ज़रूरत है hmm. अपने आप को अडेप्टल अपने रिजिलियंस ये एक एटीट्यूड है यह एक माइंड सेट है जो ऑन्ट्रप्रीनरशिप सिखाता है तो जब हम ये बात करें कि हम बच्चों को ऑन्टरप्रीनोरशिप सिखा रहे हैं हम ये बात नहीं करें कि हम उन्हें सिर्फ बिजनेस रन करना और पैसे कमाना सिखा रहे हैं हम ये बात करें कि हम उन्हें यहाँ से ट्रांसफॉर्म करें रिजिलियंस exactly. रिजिलियंट yeah. बना रहे हैं अडेप्टबल बना रहे हैं परसिस्टेंट uh, बना रहे हैं दिस इज वट डूइंग एक्चुअली ऑन्टरप्रीनोरशिप की जब हम बात करते हैं हमारी सोसाइटी बात करती है तो हम इसको स्पेसिफिकली uh, यूनिवर्सिटीज में भी जो एंटरप्रेन्योरशिप एक प्रॉपर कोर्स mm -hmm. भी होता है बल्कि अब तो उसमें uh, एक डिग्री भी होती है बिल्कुल ठीक yeah. है सही. तो एंटरप्रेन्योरशिप को यहाँ पे लोग ऐसे देखते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप कैन नॉट बी इंजेक्ट इट्स गॉड गिफ्टेड थिंक मे बी लाइक गॉड गिफ्टेड माइंडसेट और इंटेलेक्ट बिल्कुल इज दिस लाइक दैट एक्चुअली नहीं क्योंकि अगर अक्सर आपने देखा होगा कुछ कुछ फैमिलीज़ में फ़ैमिली बिजनेस चल रहा होता है वो उस घर में बात ही बिजनेस uh, की हो रही होती है उस घर में बात ही प्रॉफिट एंड लॉस की हो रही होती है उस घर में लिंगो ही डिफरेंट होती है अगर एक ऐसा पेरेंट है जो कि uh, जिसने जॉब्स की हुई हैं या उसके घर में एक जॉब वाली फ़ैमिली के अंदर जॉब्स वाली बात होती है तो मैं नई नौकरी मिली या नहीं मिली uh, अब कहाँ काम कर रहे हो कौन सी कंपनी में काम कर रहे हो और एक बिज़नेस फैमिली के अंदर यही कॉन्वर्सेशन होती है अब नया बिज़नेस क्या करना है कहाँ से रेवेन्यू जनरेट करना है नेक्स्ट मंथ में क्या होगा एंड ऑल ऑफ दैट इट्स इट्स बेसिकली फॉर अस के ये जो लिंगो है इसको कितना ज़्यादा हम विद uh, इन इसको हम नॉर्मल कॉन्वर्सेशन इन शॉर्ट कैसे कर सकते हैं इट्स नॉट के uh, अगर आपका फैमिली बिजनेस है तो फैमिली बिजनेस वाले ही लोग बिजनेस कर सकते हैं एनी बडी कैन डू इट बट येस जो मैंने शुरू में बात की कि इट्स माइंड सेट एंड परसेप्शन आपने देखा होगा कोविड के टाइम के ऊपर कुछ बिजनेसिस ना बहुत

ये एक एक्सपीरियंस हुआ राइट फ्रॉम कोविड अच्छा आ, अरसलान अरसलाप्रोरशिप इट वन सेगमेंट एक एरिया है व्हेन यू आर ट्राइंग टू ट्रांसफॉर्म द माइंडसेट इट्स नॉट जस्ट इनटू टू एक बेसिक लर्निंग है बेसिक कम्युनिकेशन है तो ऑंटरप्रनोरशिप के अलावा आपका फोकस uh, किस पर्सनैलिटी ग्रूमिंग डेवलपमेंट पे है ठीक है अच्छा देखिए हमारी जो कोशिश रही है वो ये रही है कि जो हमारे साथ बच्चे आते हैं उनके लिए एक एक्सपीरियंस हो ठीक है और वो एक ऐसा एक्सपीरियंस हो जो उनके लिए ज़िंदगी भर कनेक्टेड रहे तो हमारे यहाँ जो टीचर्स हैं उन्हें हम मेटोर्स कहते हैं अब अगर आप मैंटोरिंग का थोड़ा सा बैकग्राउंड समझे ना इज़ नॉट कि मैं आपसे मिला और मैं आपका मैंटोर mm. गया और फिर हम कभी नहीं मिले मैंटोरिंग इज़ अ लाइफ लॉन्ग कनेक्शन सही है तो ये जो हमारा एक्सपीरियंस है ना इट्स अबाउट फर्स्ट ऑफ ऑल कनेक्टिंग विद देम पीपल जिन्होंने दुनिया देखी हुई है जिनका बहुत शदीद एक्सपोजर है जो अपनी नॉलेज उनके अंदर इम्पार्ट करें और उन्हें ज़िंदगी के मुख्त्य फेजेज़ में आगे लेके उनके साथ कनेक्टेड भी रहेंगे और वी हैव मल्टीपल केसेस जिसमें बच्चे हमारे साथ आज तक कनेक्टेड हैं दो साल पहले आए थे आ, ये समझ के आए थे इट्स गोइंग टू बी नॉर्मल कोर्स एंड ये उनके अल्फाज हैं कि चेंज माई लाइफ तो हम कई बार हमारा एक बच्चा है वो मजाक उड़ाता है या हमने किसी जमाने में स्टेटमेंट दी थी कि बच्चा आता मा की मर्जी से जाता हमारी मर्जी से oh, nice. तो yeah. ये लारे okay, uh, ला मुझे एक बात बताएगा कि uh, जब आप आपने कहा कि मोर लाइफ लॉन्ग मेंटोर यस इट्स नॉट टीचिंग इट्स नॉट जस्ट टीचिंग अ कोर्स राइट ऑफ कोर्स ये जो लाइफ लॉन्ग मेंटोरशिप है इसको आप कैसे कंटिन्यू रखते हैं या इसको आप कैसे सस्टेनेबल uh, करते हैं अच्छा हमने हमारे कॉन्सेप्ट ये है कि अगर ये बात हमें पहले पता होती या कुछ ऐसे लाइफ के एक्सपीरियंसेस होते हैं जिसके बारे में अगर हमें पहले पता चल जाए तो वी आर वेल प्रिपेयर्ड फॉर इट यहाँ पे मैंटोरशिप ये है कि वेदर इट्स रिलेटेड टू बिज़नेस वेदर इट्स रिलेटेड टू एनी थिंग मेरा मुझे इंडस्ट्री के बारे में पता है मुझे पता है आप इंटरव्यूज़ देते हैं तो कौन से लोग सेलेक्ट होते हैं किस तरह का थाट पैटर्न है मार्केट का मार्केट में क्या हो रहा है जब ये बच्चे निकल के आते हैं दे विल हैव टू एक्सपीरियंसिस विद दैम वो हमारे पास आए एंड इट कैन बी अबाउट एनी थिंग इट कैन बी अबाउट के अरसलान uh, इंजीनियर थे मेरा बैकग्राउंड बहुत डिफरेंट था एंड देन हम एच आर के अंदर आए तो इट्स ओके टू चेंज योर करियर इट्स ओके यहाँ पे अगर आप इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं तो दिस इज द नॉलेज दैट वी हैव दिस इज द एक्सपीरियंस वी हैव नाउ यू कैन डू ऑन योर ओन हमारे पास बचपन में बहुत कम एक्सपीरियंसेस होता है एट आर फादर्स एट आर टीचर्स या हमारे पास ऐसे लोग नहीं होते जो उसी टाइम रियल टाइम बहुत स्मॉल डिफरेंसेस है उसी इंडस्ट्री का पार्ट होता है सो इमेजिन फॉर दीज केड्स कि अगर वो हमारे पास आए और बोले कि हमें हम ये काम करना है सो फॉर अर्स इट्स नॉट जस्ट अबाउट टीचिंग दैम ऑन्टरप्रीनरशिप और पब्लिक स्पीकिंग और वट एवर वी आर डूइंग इट्स लेटिंग दैम नो देट यू हैव आ प्लेस दैट यू कैन कम यू कैन विजिट यू कैन एक्सप्लोर यू कैन जेनरेट योअर आइडियाज़ इफ़ यू नीड आर एक्सपीरियंस आर हेल्प आर इवन इवन आर कनेक्शन हम किसी को जानते हैं uh, हम उस फील्ड के बारे में ज़्यादा नहीं जानते बट हम uh, एक शेफ़ को जानते हैं You have? Okay, so right we hmm. uh, और आप शेफ बनना चाहते हैं तो वी विल प्रोवाइड यू वी विल लिंक यू टू डेट पर्सन जहाँ से वो आप वो एक्सपीरियंस ले सकते हैं। ऑलराइट करंटली यू हैव रनिंग दिस राइट फ्रॉम कब से? ओके सो वी हैव बीन रनिंग दिस फ्रॉम 2019। यस। 2019 हाउ मेनी मेंटोर्स यू हैव? ओके सो राइट नाउ वी आ So we've got people from finance, from NLP, from medical, from dentistry, and the reason they're connected with us is the cause we're working on. See, so what is, the uh, cause? The cause is... actually to explore. to I've done it. I want to explore. Is such that whoever sees it, he the cause. Absolutely. So that cause, can uh, elaborate a little bit about the cause hai behind? Okay. So the cause is. कि जो बच्चा आया है वो अपना बेहतरीन वर्जन बन के निकले या निकले भी नहीं देखें जैसा हमने कहा कि वी स्टे इंटैक्ट राइट तो वो एंड गोर है हो सकता है वो स्कोर्स में अपना बेहतरीन वर्जन ना बने बट वो हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम उसके साथ कनेक्टेड रहें एंड वी ट्राई आर लेवल बेस्ट कि वो अपना बेहतरीन वर्जन बने सही है सो अब मैं आपको एक मजे की चीज़ बताता दूँ कि राइट नाउ हमारी टीम में हमारे ही दो बच्चे इन्वॉल्व हैं वन इज़ फिफ्टीन वन इज़ सेवेंटीन सही है? Really nice. yeah. सही है yeah. examples, सही है एंड दे आर सिंस दे फाउंड दैट चेंज इन देयर लाइफ तो दे आर नाउ गोइंग टू वर्ड्स पोजिशन की देर यार हम भी इवेंचुअली वही इम्पैक्ट क्रिएट करेंगे सही है तो इट्स अबाउट कि आप जो कॉज है वो है कि वो बच्चा अपनी बेहतर सेल्फ बने और हर बच्चा देखें हमें एक चीज समझने की जरूरत है हर कोई अपनी रेस में भाग रहा है सही है मैं और आप दो अलग हमारी दो अलग डेस्टिनेशन है हमारी दो एंड, अलग एंड लाइंस हैं सही है तो अगर मैं आपके पैरामीटर पे देखूंगा या आप मेरे पैरामीटर पे देखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी तो हम यही कोशिश करते हैं कि हर बच्चे को अंडरस्टैंड करें उसका अपना जर्नी है और उसको उसके जर्नी से पॉइंट ए से पॉइंट बी पॉइंट बी से पॉइंट सी एंड दिस विल टेक टाइम आई एम स्टार्टिंग टू थिंक अबाउट के छोटे सिक्के इज़ इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द कन्वेंशनल एजुकेशन सिस्टम ही हो रहा है ये जो डाइकॉटमी है ये जो सिग्निफिकेंट डिफरेंस है बिटवीन अ कन्वेंशनल स्कूलिंग जिसमें एक बच्चा जो है वो स्टार्ट करता है वन टू थ्री फोर फाइव मैट्रिक करता है डन विद द एग्जाम्स एंड एक अच्छा ग्रेड लाने की भरपूर कोशिश करता है लर्न टू पास द एग्ज़ाम बेसिकली वो इसीलिए कर रहा है फिर इंटरमीडिएट में आता है फिर कॉलेज में आता है फिर यूनिवर्सिटी में आता है एक डिग्री करता है और उसके हिसाब से जॉब ढूंढ लेता है यहाँ पे जो डॉटमी है ये जो बच्चा आपके पास आ रहा है ये uh, एक कन्वेंशनल स्कूलिंग भी कर रहा है एंड यू आर आप भी उसको मैंटोर कर रहे हैं तो अब यहाँ पे वो जो डिफरेंस आ रहा है उसको वो कैसे हैंडल कर रहा है या उसको वो क्या ले रहा है मतलब एक मैंटोरशिप ले ली उसने एक स्कूलिंग ले ली उसने अब उसके दिमाग में तो एक मल्टीपल uh, आइडियाज चल रहे हैं अब उसकी डेस्टिनेशन मिक्स नहीं हो जाएगी ओके दिस इज वेयर एंड आई थिंक हम दोनों इस बात का जवाब दे तो अब बहुत इनरिच करके लोगों को समझ में आएगा कि वॉट एग्जैक्टली हैपनिंग ये एक्सपीरियंस बच्चे का नहीं है पेरेंट का भी है पेरेंट hmm. स्कूल में डलवाता है बच्चे की अपनी चॉइस नहीं होती है स्कूल में जाना पेरेंट डलवाता है जब पेरेंट उस एंड हमारे सबके हम हम तो स्कूल में पढ़े भी हैं और अब हम उस लेवल के ऊपर है जहाँ पे हमारे नीस नेफियो बच्चे स्कूल जा रहे हैं जब पेरेंट क्यों पेरेंट आता है एक अदर देन स्कूल अगर स्कूल सब कुछ प्रोवाइड कर रहा है तो व्हाई डू दे नीड अनदर एंटिटी और अनदर अदर इंस्टीट्यूट टू ग्रूम दैम कुछ ना कुछ ऐसा है जो स्कूल लैक कर रहे हैं इवन अगर वो बेहतरीन स्कूल हो कराची का पाकिस्तान का या वो बिल्कुल ही एक मिडीकर स्कूल हो दोनों के अंदर इवन द बेस्ट स्कूल एंड द एंड द लोएस्ट स्कूल इफ़ यू कैन से दोनों में कोई ना कोई चीज़ ऐसी लैकिंग है कि पेरेंट को अल्टीमेटली बाहर चीज़ें ढूँढनी पड़ रही हैं करवाने के लिए हमारा uh, अपना एक्सपीरियंस ये है कि इट्स नॉट अबाउट द किड इट्स फॉर द पेरेंट टू अंडरस्टैंड कि आपका बच्चा एक ऐसे स्कूल में जाता है जहाँ पे वो सेम क्लास पढ़ता है सेम सब्जेक्ट्स पढ़ता है तब भी जब बाहर निकलता है तो हर बच्चा इंडिविजुअली अपना सोच रहा होता है काम कर रहा होता है उसके उसके घर के अंदर uh, चीज़ें डिफरेंट होती है अगर उसका फादर बैंकर है तो वो उसकी घर में लिंगो भी वैसे ही है बात भी वैसे ही कर रहा है और उसका प्लान भी वही है करने का वॉट छोटे से सिक्के डज इज़ दैट अगेन हम बच्चे को बिल्कुल ये नहीं कहते अक्सर हमारे पास ऐसे बच्चे आते हैं जिनको बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं होता नहीं, हम उनसे बिजनेस हाँ ऑफकोर्स अब हमारे पास अगर डिज़ाइन का कोर्स है या पब्लिक स्पीकिंग का कोर्स है या एंटरप्रेन्योरशिप का है हम उसको अम्यून करवाते हैं परसेप्शन चेंज के ऊपर हम कहते हैं एबिलिटीज एंड स्किल्स कैन बी लर्न इन अ फंड में हमारे क्लास के अंदर इतनी एक्सपीरियंशल uh, लर्निंग uh, होती है इतना एंटरटेनिंग हम उसको रखते हैं एंड हमारा फोकस भी यही होता है कि चेंज योर माइंड सेट एंड नो वॉट यू आर अपनी सेल्फ अवेयरनेस डिवेलप करें अगर बच्चे को पता चल जाए अगर आके वो ये भी कहते हैं ना मुझे ऑन्टरप्रीनोरशिप नहीं करनी है एटलीस्ट नाउ ही नोज ही डजेंट वॉन्ट टू बी अ बिजनेस मैन उसको पता है कि उसको क्या करना है सो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन के पेरेंट के लिए एक्चुअली ये डिफरेंस ऑफ थाट है रादर देन द किड Okay, uh, I see one thing. Uh, of course, I know the. Uh, I would like to talk to Arsalan specifically. K parents' ka jo role है important As you mentioned also, I know there are different parents in our society. Uh, you know that uh, we, uh, uh, we can say uh, conventional, conventional La. parenting, say, yeah. or maybe uh हम uh, हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर राइट है फिर है तो तो इसमें आई आई नो विल एक्सपीरियंस बल्कि होंगे कि पेरेंट्स को आपको पहले मेंटोर करने की बिकॉज़ किड्स <laughs> <laughs> <Because kids laughs> तो उनके उससे आएंगे ना हाँ, बच्चे आपके पास खुद से तो नहीं आने का पेरेंट्स अच्छा देखें ये और इसको मैं बिल्कुल उस किसी नेगेटिव सेंस में नहीं कह रहा कि चैलेंज रहा है हम सबको यह समझने की ज़रूरत है कि हाउ थिंग्स आर चेंजिंग ना वी ऑल नीड टू अपग्रेड आवर सेल्फ़ ये सो एट आर्टिस्ट स्टेज जिसमें हम भी बहुत सारी चीज़ें सीख रहे हैं अगर आप ये पूछेंगे कि हमारे पास सारे जवाब है नहीं है बट हाँ हमें यह ज़रूर पता है कि वो क्यूरियोसिटी ज़रूर है टू फाइंड आउट दैट आंसर राइट तो हमारी जो इसमें दो एलिमेंट्स हमारे जो डिस्कशन uh, होती हैं वो इनिशियली बिल्कुल पेरेंट्स से ही होती हैं

और हम वहाँ बच्चों को पिच कर रहे थे कि क्यों ऑन्ट्रप्रिनरशिप करनी चाहिए एक टीचर आता है हमारे पास और कहते हैं यार आप मुझे बताएं मुझे क्या बिज़नेस आइडिया करना चाहिए एंड मेरे ख्याल से वो इतनी अच्छी चीज़ थी क्योंकि दैट टीचर वॉज ओपन टू लर्निंग कि मुझे नहीं पता आप मुझे बताएं कि क्या करना चाहिए तो ये जो सिलसिला है ना बच्चों का पेरेंट्स के पैरेलल चल रहा है

टू टू द वे कि जिस तरह से अब हमने छोटे सिक्के स्टार्ट किया तो हीज़ आर मेटोर अगर हम दूसरों के लिए तो वील गिव हेम ऑल द क्रेडिट होता ये था कि जब हम अपनी ट्रेडिशनल जॉब से जब हम बाकी स्टार्टअप्स के ऊपर बात किया करते थे आई थिंक हमारा पेन पॉइंट ये था कि वॉट आर वी एक्चुअली इन द एंड ऑफ द डे प्रोड्यूसिंग इन पाकिस्तान सबको को बनना है सबको जैसे कहते हैं कि रेट रेस में भागना है uh, हम लोगों into, uh, को एग्जैक्टली exactly, हमें इंडिविजुअल <laughs> तो बनना है हमें चाहिए कि हम आई बी ए से पढ़ें हम बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से पढ़ें हम बड़ी बड़ी जगह जॉब करें बट इन दी एंड ऑफ द डे आपकी इंडिविजुअलिटी घूम फिर के वही आ जाती है जो कि कहीं ना कहीं लिंक होती है आपके प्रीवियस काम से या आपके करंट इंस्टीट्यूट से या हाउ मच मनी यू आर मेकिंग हमारा एक पेन पॉइंट ये था कि व्हाट एग्जैक्टली पाकिस्तान की अब की जो जनरेशन है वो क्या कर रही है पिछले वालों ने जो किया वो किया अब हम क्या कर रहे हैं एंड सबसे एक नॉट टू बी टू पॉलिटिकल लेकिन इमरान खान का इन्फ्लुएंस बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस था इट गॉट एवरीबॉडी थिंकिंग कि हम किस तरफ जा रहे हैं और हर कोई बाहर मुल्ल से बाहर नहीं जा सकता है नॉट एवरीबॉडी कैन पिकअप अ बैंगन से अब हम मुल्क से जा रहे हैं क्योंकि मुल्क के हालात ख़राब है ये वो बच्चे हैं जिनको इंफॉर्मेशन है इंटरनेट ने प्रोवाइड की हुई है आप सबके हाथ में बच्चों के हाथ में भी अब फ़ोन होता है बट हाउ एग्जैक्टली टू मेक इट यूज़फुल परसेप्शन कैसे बिल्टअअप हो सकता है कि अगर आपके पास चार यूट्यूब चैनल है देखने के लिए विच वन वुड यू पिक आपके घर में कौ, कौन सी चीज़ होगी जो कि आपकी जर्नी के ऊपर आपको तेज़ी से लेकर जाएगी या आपको हेल्प करेगी उस चीज़ को स्किप करने के लिए तो मेरा पर्सनली पेन पॉइंट ये था कि वेन एवर आई यूज़ टू टेक इंटरव्यूज़ इवन मैनेजर लेवल के ऊपर भी या इंटर लेवल पे भी एवरीबडी वो सेलिंग देम सेल्व्स ऑन देर यूनिवर्सिटीज़ देर करंट एस्पिरेशंस कोई अपने बारे में नहीं बताया करता था एक मौसनी एक बात क्या करते थे कि अगर आप किसी से इंटरव्यू ले रहे हो और आप उससे उससे पूछे कि आप फारग वक़ में क्या करते हैं और अगर वो बोले ना कि मैं गेम्स खेलता हूँ मैं गाड़ियों का शौक़ है मुझे यू कैन सी अ स्पार्क इन देयर आइज़ वो अपने पैशन के बारे में इतना खुश होकर बताते हैं कि मैं ये करना चाहता हूँ आई लव डूइंग दैट दिस इज़ एक्चुअली वॉट इंस्प और आप उनसे नॉर्मल इंटरव्यू ले तो वो बिल्कुल ही श्रक uh, डाउन करके लेते हैं सो वी वॉन्ट आर किड्स एंड दिस इज़ माई गोल फॉर छोटे से कैंड दिस इज़ माई इंस्परेशन दैट किड्स शुड टॉक अबाउट वॉट एवर दे लव

अच्छा इसमें आ, दो एंगल्स हैं एक तो देखें हमारा जो रिलेशनशिप विद द मनी है ना वो बहुत डिफरेंट रहा है सही है हम लोग समझते हैं पैसा इज़ अ बुरी थिंग सही है इट्स नॉट यू हैव टू द रिलेशनशिप ऑफ योर्स विद मनी इज़ लेस देन द करंट कन्वेंशनल सिस्टम बिल्कुल I सही है।, है।, है बिल्कुल सही है अब हम जो इसमें जवाब देते हैं ना पेरेंट्स को हम कहते हैं देखिए हम पैसों पे फोकस ही नहीं करें हमारा क्या फोकस है नाउ कि ऑन्टप्रीनोरशिप आप किस लेवल पे करें या क्या सिखा रहे हैं हमारा फोकस है बच्चा फाइंड आउट करे कि पैशन उसका क्या है सही है उसको वो किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं दूसरे को फायदा पहुंचाने के लिए दिस इज वॉट ऑन्टरप्रीनरशिप इज फॉर अस के फाइंडिंग यू वॉट यूर पैशनेट अबाउट एंड हाउ कैन यू यूज दैट टू हेल्प अदर्स मनी इज अ बाय प्रोडक्ट एग्जैक्ट वंस वंस यू आर एडिंग वैल्यू वंस यू आर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम एंड दैट प्रॉब्लम समथिंग दैट यूर पैननेट अबाउट वेन एवर यू आर एड्रेसिंग प्रॉब्लम So हम आप शुरू से बच्चे को यह सिखा रहे हैं कि पहले तो अपने आप को जानो अपनी सलाहियतें जानो अपने अंदर का पोटेंशियल जानो अपनी ट्रू कॉलिंग जानो एंड उसको इस्तेमाल करना है दूसरे को hmm. और वैसे देखा जाए तो एक Uh, किसी भी अच्छे बिजनेस का काम ही ये होता है कि वो सोसाइटी को किस तरह अपलिफ्ट कर रहा है hmm. सही है और ये वही वाली मैकेनिज्म है हम अभी हम हमारी डेफिनेशन में नहीं है पैसा हम कहते हैं ये कर लो पैसा वेलकम ऑटोमेटिकली एज अ बाय प्रोडक्ट एज अ बाय प्रोडक्ट सो दिस इज व्हाट वी आर फोकसिंग ऑन ओके एंड हाउ मेनी मेंटर्स करेंटली यू हैव

Yes. ऐसा ही है तो मुझे आप मतलब जब पेरेंट्स आपके पास अपने बच्चे को लेकर आए लाइक यू आर पिचिंग तो कोई ऐसी एग्जाम्पल बताएं कि आपने किसी पेरेंट्स को कन्विंस किया हो किसी ऐसी बात पर जिस जिसपे वो पहले नहीं होता इफ़ यू कैन रिमेम्बर अगर आपको ऐसा याद है कोई केस बिकॉज उसके बाद मेरे पास एक यूज केस है वो मैं उस पर आऊँगा अगर okay. मुझे कुछ समझ आया तो ओके okay, सो so, अरसलान का बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस है पेरेंट्स के साथ uh, जहाँ हमको फाउंडर्स है हमारी पर्सनैलिटीज़ बहुत अलग है द वे दैट वी सेल और वी ट्राई टू कन्विंस दैम वो बहुत डिफरेंट है सो so, अरसलान की मे भी एक बहुत डिफरेंट स्टोरी होगी बट द लिटल वन दैट आई हैव इज़ दैट पेरेंट्स आके बोलते हैं कि इसका क्या फ़ायदा है या हम आप ही के पास क्यों आए या हम आप ही से क्यों सीखे? एंड जिसके ऊपर हमारा ये उनको आंसर होता है आप बस सिखा दें यू डोंट हैव टू कम टू अस यू डोंट हैव टू कम टू एनी थिंग एज लॉन्ग एज यू अंडरस्टैंड एज अ पेरेंट कि दिस इज़ रिक्वायर्ड दिस इज़ समथिंग दैट दे नीड टू लर्न एंड मैं कभी भी उनसे ये नहीं कहती कि आप पब्लिक स्पीकिंग लें आप ऑनटरप्रिनरशिप लें आप वो लें मेरी कॉन्वर्सेशन स्टार्ट ही इससे होती है आर यू प्रोवाइडिंग योर किड दैट माइंड सेट हैव यू एवर टॉट हिम हाउ टू थिंक ठीक है आपने उसको परसेप्शन बिल्डिंग कितनी सिखाई है दैट एक्चुअली गॉड दम थिंकिंग इसके ऊपर हम नहीं करते एंड देन बाद में कॉन्वर्सेशन आती है कि उनको कौन सा कोर्स लेना है और हम उनसे साफ साफ ये कहते हैं आपका बच्चा एंड में डिसाइड करेगा कि उसको आना या नहीं आना तो हम उनके बच्चों को बुलाते हैं अगर फर्स्ट मीटिंग टेलीफोनिक भी होती है तो नेक्स्ट मीटिंग में हम बच्चों को बुलाते हैं हम उनसे कहते हैं पहली क्लास फ्री हो ठीक है हमारे अक्सर नाइन्टी नाइन परसेंट जो फर्स्ट क्लास होती है वो ट्रायल होती है वो आए वो देखें वो एक्सपीरियंस करें हम ज़बरदस्ती बच्चे को नहीं बिठा सकते सो so, हमारी अक्सर अक्सर पेरेंट्स जो होते हैं वो पहली दूसरी क्लास जो है वो ट्रायल पे लेते हैं क्योंकि उनको नहीं पता होता कि हम कैसे पढ़ा रहे हैं क्या कर रहे हैं दैट किट टेल्स दैम that yes i want to do it further yes i want to do it uh, the second time or the third time so mera convention jo jo parents ke sath jo communication hoti hai it's giving them a thought aapko hamare sath nahi karwana aap kisi aur ke sath karwaye but at least give that kid a chance or give that kid that exposure ke ye bhi available hai a level of freedom bachche ko bilkul arsalan aap okay okay let's go further hmm. uh, let's have a use case hmm. okay uh, i am a kid hmm. एट एट ग्रेड एंड अराउंड थर्टीन फोर्टीन ईयर्स ओल्ड ठीक है एक बच्चा हूँ मैं जिसका अब मेरे पेरेंट्स आपके पास आते हैं एंड दे आस्क यू कि यार ये इसकी जो ना मैथ्स uh, में बड़े कम नंबर आए हैं और ये इसकी मैथ्स बहुत कमज़ोर है और अंग्रेजी तो इसकी बस ऐसे ही है एंड <laughs> उर्दू भी नहीं आती और ये बड़ा मतलब एक परेशान बच्चा है अपनी क्लास का एंड उसकी वजह से पेरेंट्स भी परेशान हैं तो ऐसे पेरेंट्स का एक्सपोजर अगर आपके पास होता है तो आप क्या करते हैं

वो बच्चा करे बेसिकली ये इशू है इशू ये जिसको आप मैं समझता हूँ ये एक इशू है जिसको आप एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हो छोटे से के। तो अगर ऐसा यूज केस अगर आपके पास है या कोई इस तरह की एग्जांपल है नॉट दिस एग्जैक्टली अगर आपके पास कोई ऐसी एग्जांपल है तो हाउ डू यू कन्वेंस एक्चुअली बिल्कुल हमें अपने अंदर वो एमपे डेवलप करने की ज़रूरत है कि अगर उन्हें नहीं पता तो हमारा काम उन्हें बेचना नहीं उन्हें समझाना और सिखाना है ठीक है कई बार कॉल्स पे मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी मिसाल देता हूँ सो आई हैड अ डिस्कशन विद अ पेरेंट इनसे मेरी चालीस मिनट बात हुई थी सो so, जी कॉल पर चालीस मिनट आप एक कस्टमर से बात करें और उस पर ऑल आई वाज डूइंग वाज कि आई वाज जस्ट एजुकेटिंग हर कि व्हाई इज़ इट इम्पॉटेंट क्यों जरूरी है एंड उन पर कोई प्रेशर नहीं दिया हुआ था मैंने उनसे इवन ये भी कहा कि यार आप ना पे करें आप बस उसको ट्रायल पर भेजें एंड देन वी कैन लुक फॉरवर्ड सही है हम जो बातें करें ना हमारे एक अनफॉर्चुनेट चीज़ ये है कि हमारे बड़ा लर्निंग का फकदान है जनरली एज अ कम्यूनिटी वी डू नॉट लर्न ठीक है हमारा काम जिनको थोड़ी सी ज़्यादा हम मैंने जिस तरह कहा कि हम लोग भी सीख ही रहे हैं बहुत सारी चीज़ें हमें भी अभी नहीं आती बट हमारे अंदर वो क्यूरियोसिटी जिंदा है कि यार बहुत चीज़ें जो सीखने की ज़रूरत है राइट बीइंग समवन जो थोड़ा सा जानता हो ना उस पर ये उसके पास ये एम्पथी होनी चाहिए कि वो दूसरे को सिखाए ज़रूर और उसको एजुकेट करे और फिर उसके बाद वो छोड़ दें दूसरे बंदे पे कि आप ज़बरदस्ती किसी को नहीं कर सकते सही है आप उनको एजुकेट करें आप उन्हें समझाएं और फिर आप उन्हें ओपन ग्राउंड दे दें दे कि ये ट्राई कर लें और उसके बाद भी अगर वो ट्राई नहीं करना चाहते तो मेरे ख्याल से सम अदर टाइम आप पूछ रहे हैं छोटे सिक्के के लिए आइडियल केस क्या होगा ओके ओके देखिए आइडियल क्योंकि आइडियल है तो ऐसा नहीं होगा सो आइडियल केस वही होगा जो मेरे ख्याल से जिसके पेरेंट्स भी सेल्फ अवेयड हों जानते हों चीज़ें इंपॉर्टेंस उन्हें पता हो सही है और उन्होंने ऑलरेडी बच्चे पे काम किया हुआ हो और हम फर्दर उसको चेरी ऑन द टॉप लगा के भेजें ये है आइडियल केस जो बहुत हार्ड रे रे है रेयर रे है रेयर है ऐसा है एक बच्चे एक आध पेरेंट मेरे जहन में है जो ऐसे हैं बट रेयर है सही है और इट्स फाइन वंस अगेन वो अगर वही अगर मसला ही नहीं है तो क्या सॉल्व करेंगे हमें exactly. तो पता है ना मसला exactly. है। और मसलाप्रीनर जो हम अभी बात करें प्रॉब्लम सोल्व करता है तो हम यही प्रॉब्लम तो सो सोल्व करें कि पता नहीं है वही तो हम गैप को कम को को कर गैप को कवर स्टार्टअप बिजनेस आपने स्टार्ट लिया दो तीन साल पहले राइट right? अब मैं एक चीज़ देखता हूँ कि यू नो नेशनल इनक्यूबेशन सेंटर एनआईसी आई

अब आपके पास कम से कम वो जगह है जहाँ पे आपके पास राइट लोग हैं राइट बैठने की जगह है राइट इकोसिस्टम से कनेक्टेड है पहले ये भी नहीं था आज से अगर पाँच साल पांक पहले मैं पहले पहले था था। का नाम वो इंक्यूबेशन हॉस्पिटल वाला था बच्चे छोटे बच्चे वाले था राइट बट अब अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि हर चीज मेच्योर होती है उसी तरह आपका स्टार्टअप इकोसिस्टम भी मेच्योर होता जा रहा है मेरे ख्याल से बहुत गुंजाइश है अभी भी इम्प्रूव होने में और बेहतर होने में बट इट्स प्लेंग अ ब्रिलियंट रोल मेरे ख्याल से uh, बाइकिया बोगो टिकेट वाला ये सारे वैसे स्टार्टअप्स हैं जो एन आई सी से निकले हैं एंड सिंस इट्स गवर्नमेंट लेवल्स इनिशियटिव तो ये बहुत uh, खुशाइन बात है कि गवर्नमेंट इन लाइन्स पर सोच रही है कि यार हमें और पाकिस्तान को आज जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो ऑन्टरप्रनोर्स की है

हमें लगता है कि हम अगर इंक्यूबेट हुए हुए होंगे तो हमें फंडिंग मिलेगी और हम हमें पैसा चाहिए और हम ग्रो कर जाएंगे इट्स hmm. हमारे केस के अंदर वो बहुत डिफरेंट था हमारे केस में ये था कि हम ऑलरेडी कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत अर्न कर रहे थे ऑफ कोर्स किसी भी स्टार्टअप को फंडिंग की जरूरत होती बट द अदर इज़ हम उस उस एनवायरनमेंट में छोटे सिक्के को लेकर आना चाह रहे थे जहाँ पे हम भी ग्रो हो रहे हो नॉट जस्ट द बिजनेस इट सो हमें That's, पता चला था येस अच्छा हमें वहाँ जाके ये पता चला कि सिर्फ आ, हमें लगता है ना कि दूसरे का स्टार्टअप बहुत अच्छा चल रहा है वो देखो उसने ऐड लगाए हुए सबका नॉर्मली वही पैटर्न होता है जो आपका चल रहा होता है आई थिंक ये सब वहाँ जाके जब हम दूसरे स्टार्टअप से, से बात करते हैं ना तो आपको एक कम्फर्ट लेवल भी आता है कि अच्छा सिर्फ़ इकोनॉमी हमें ही नहीं हिट कर रही है कस्टमर डीलिंग हमें ही नहीं हिट करिए बाकी सबको भी हिट करिए बाकी लोगों के पास भी वही चैलेंजेस है तो आई थिंक इस तरह के और चैलेंजेसिटी बिल्ट हो गई है अब हमें पता है कि इफ़ वी आर गोइंग थ्रू समथिंग और हम आपका स्टार्टअप बिल्कुल अलग है हमसे बट स्टिल वी हैव सम टू गो टू हैव अ कॉन्वर्सेशन अबाउट इट मे बी यू हैव अ डिफरेंट थिंग प्लस कोलेबोरेशन के मौाक़ बहुत निकलते हैं आपका आपका स्टार्टअप और मेरे स्टार्टअप में थोड़ा सा डिफरेंस है बट वी गेम अप्रॉस के भाई इसमें ये भी जय हाँ कि हम इसको कोलेबोरेट करके हम नई चीज कैसे क्रिएट कर सकते हैं सो आई थिंक ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है जो हमें मिला इनक्यूबेट होके ओके आफ्टर दिस आई वांट टू नो के, okay, uh, this, uh, के uh, दो तीन साल यू हैव स्पेंड विद दिस व्हाट इम्पैक्ट यू हैव क्रिएटेड और योर मार्क के इसी को लेके चलना है या इसी तरह काम करना है ऐसी क्या आपकी वो है अच्छा आप पूछ रहे हैं आई वांट टू नो द मेजर कंट्रीब्यूशन यू हैव मेड आई वी हैव मेड ओके सो देखिए मैं, मैं हम मैं और लारिफ कई बार आ, बात करते हैं और हम लोग ये बात करते हैं कि अगर एक जिंदगी भी बेहतर हो गई ना आरबा वर्किस्तान सही है बट uh, अलहमदुल्ला विविन अल्लाह ताला ने बड़ा आ, वो रखा है साथ साथ मोटिवेशन भी बहुत रखी है कि विफ नाव वेयर सींग आर किड्स हु आर टेकिंग हु आर मूविंग टूवर्ड्स टेकिंग आर पोजिशन सही है कि वो वहाँ आए थे एक कोर्स लेने के लिए और आज वो आपके साथ इतना कनेक्टेड है और इतना ग्रूम हो गए कि हम सोचते हैं यार इन बच्चों का कितना ज़बरदस्त फ्यूचर है सही है तो um, so मैं इसमें बराग नहीं करूँगा मैं कहूँगा कि इसमें हमारा बेसिकली uh, वो छोटी छोटी जिंदगियाँ वो छोटी छोटी कहानियाँ हैं जहाँ पे अम्मा अब आर लाइक यर दिस वॉज समथिंग दैट रियली क्लिक आस एंड और जस्ट कॉलिंग ऐसा अगली चीज़ का स्टार्ट करे हो तो मेरे ख्याल से ये आप इससे बात कर ले हाँ, ये मेरी नहीं सुन रहा ये यहाँ पे इसको गाइड कर दे आई थिंक वो एक बहुत बड़ा शायद भी फील करते हैं कि समथिंग हम अपने एक्सपीरियंस से बात कर रहे हैं बट अगर हमारी हम दोनों की फैमिलीज़ आई थिंक हम सब की फ़ैमिलीज़ में हमारे फ़ादर्स एंड मदर्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है एंड हर बच्चा ऐसा नहीं होता जिसको वही पेरेंट्स मिले अगर मेरे फादर एंड मदर लिबरल्स हैं तो हर किसी बच्चे के नहीं होते लेकिन अगर वो ये अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि हम इतने एजुकेटेड नहीं हैं बट वी वी वॉन्ट आर किड टू बी वी वी वॉन्ट आर किड हम इस बच्चे को ये सिखा सकते हैं लेकिन यहाँ पर हम रुक गए हैं तो वी आर देयर एंड हमारी जो एक कॉन्स्टेंट कम्युनिकेशन लिंगों में भी चीज़ होती है स्टे कनेक्टेड हमसे कनेक्टेड रहे कोर्स करें उसके बाद आएँ बैठें बात करें बेशक इफ़ यू कम आफ्टर इवन सिक्स मंथ्स और वन ईयर एटलीस्ट आपको पता होता है कि यू हैव टू पीपल अवेलेबल हमारे टाइम पे ये चीज़ें नहीं थी हमारे टाइम पे पेरेंट्स हुआ करते थे थैंक्स टू मोसिन जाफरी वी गॉट दैट वी गॉट दैट इन्वायरमेंट जहाँ पर हम इस तरह से सोचें what is the minimum duration of any course from you? It's two months. Two okay. months. So it's a weekend program basically. Okay. Uh, two months like uh, usne two months pure kar liye, hmm. aur wo chala gaya. Hmm. Actually, the role uh, you put, chote sikke ne jo kam karna tha kar liya. Yeah. अब जो काम करना है या maximum time उसने spend करना है अपने parents के साथ बिल्कुल <laughs> तो अब जो इम्पोर्टेंट रोल है छोटे सिक्के का कम और उनके घर वालों का और पेरेंट्स का ज़्यादा है बिल्कुल ऐसे, ऐसे ही है अब यहाँ पे अगर कोई बच्चा ऐसा है जो यहाँ से ग्रो करके चला जाता है बट वहाँ पे उसको ऐसा इन्वायरमेंट नहीं मिलता या वो एक्सपेक्टेड uh, इन्वायरमेंट नहीं मिलता जो कि आपने दिया तो अब यहाँ पे जो एक सिनेरियो क्रिएट होगा वो इज समथिंग एल्स अच्छा जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ अभी पब्लिक स्पीकिंग का जो कोर्स हो रहा था उसमें हम डेली पेरेंट्स को भी एजुकेट कर रहे थे दिस इज़ समी स्टार्टूंग विदेंट एग्जैक्टली क्योंकि हमने उनसे ये बोला हुआ है कि हमारे पास तो बच्चा दो घंटे के लिए हफ्ते में दो घंटे yeah. के लिए उसने जाना आप ही के साथ है तो वॉट आई डेट वॉस के हर क्लास के बाद जब दूसरा सेशन स्टार्ट होने वाला होता है आई हैव सिटिंग विद पेरेंट पेरेंट आता है बच्चे को लेकर जा रहा होता है तो वो जो दस पंद्रह मिनट उसके साथ मिलते हैं उसमें मेरा यानी कि इन्फोसिस भी यही होता है कि दिस इज वॉट वी हैव टॉट हिम आप अपने घर में ये एक्सरसाइज करें करके देखें अभी एक पेरेंट आई उन्होंने कहा कि मेरी बेटी जो है ना वो बहुत शाय है वो बोलती नहीं है सो व्हाट आई सेट टू हर कि आप इसको ना ग्रोसरी लेने ख़ुद भेजें या इससे ना एक जिसे कहते हैं ना फोन कॉल्स करवाएं इससे ऑर्डर प्लेस करवाएं ये खुद ऑर्डर प्लेस करें कस्टमर से कैसे बात करते हैं आप इनसे ग्रीवियंस कॉल्स करवाएं अब हमारे यहाँ इंतकाल की कॉल सबसे ज़्यादा बड़ों बड़ों के लिए मुश्किल होती है कि जब किसी किसी की ताज़ियत की कॉल कर रहे हैं। बट सोचे इमेजिन करें कि बच्चे को ताज़ियत की कॉल करनी आती है जो एडल्ट्स को नहीं आती है सो so, आप ना खुलते हैं छोटी छोटी चीज़ों से सो so, हम पेरेंट्स को बाइट साइज एक्टिविटीज देते हैं टू डू एट होम दूसरी चीज़ आ, हम उनसे कनेक्टेड इस तरह से रहते हैं कि हम मैं और अरसलान उनसे पूछते रहते हैं अच्छा एनी कोई अपडेट हुई क्या किया अच्छा जिन पेरेंट्स के बच्चे बहुत ज़्यादा लाइक अच्छा एक्सपीरियंस लेकर यानी कि वो चाहते हैं कि हम फर्दर उस पर वर्किंग करें उनके पेरेंट्स हमें भेज रहे होते हैं अक्सर अरसलान के पास कॉल आती है आपको पता है, हमारी बेटी ने एक इवेंट था वहाँ पर उसने ये किया आ, एक आ, स्पीकिंग का चैलेंज था उसने वहाँ पर जाके ये किया सो पेरेंट अच्छे पेरेंट्स या जो पेरेंट्स बहुत ज़्यादा लिंक्ड होना चाहते हैं वो हमें खुद भी बताते हैं, हम भी इन टच रहते हैं बट हमने अब ये शुरू किया है कि पेरेंट्स को हम इतना वेल uh, वर्सड well करके भेजें कि इफ़ दे कैन डू सम एक्टिविटीज़ वो छोटी छोटी अपने एंड पे करें एंड uh, अच्छी बात यह है कि छोटे सिक्के में आता ही वो पेरेंट है जो इस बारे में कंसर्न रखता है तो वो ऑटोमेटिकली कर भी लेता है।, करती है बिल्कुल जब ही तो, तो वो आता तो है हाँ सो so, अरसना uh, मुझे ये बताएगा कि uh, छोटे से गोइंग ऑन वेरी वेल इट्स ऑल नाइस वट इज़ योर फ्यूचर फोर्स ये क्या कर रहे हैं आप ये क्या इसके अंदर फर्दर डेवलपमेंट्स या फर्दर नए आइडियाज इनपुट करने की कोई स्पेस अगर आप देखते हैं तो बिल्कुल देखिए नए आइडियाज पे तो काम हो ही रहा है um, अब इसको स्केल अप हम लोग कर रहे हैं इवेंचुअली ठीक है हमने एक लैब बनाई थी जिसमें हमने कुछ चीज़ें सीख ली सही hmm. so, अब वो इम्पैक्ट हमें मैक्सिमाइज़ करना और वो इम्पैक्ट कैसे आएगा राइट right लोगों से आएगा राइट right प्लेटफॉर्म के थ्रू आएगा uh, ये एक साथ साथ और हमें नहीं पता आगे जाके क्या होता है आई एल बी वेरी ऑनेस्ट क्योंकि ये पीछे अगर आप हमसे पूछें हमने जिस तरह स्टार्ट किया था हमें नहीं पता था आज हम जहाँ पहुँचे हुए वहाँ पहुँचेंगे वह

स्पेसिफिक टू द छोटे सिक्कि कंट्रीब्यूशन मुझे भी बहुत सारे आइडियाज़ ट्रिगर हुए लेट्स कंक्लूड दिस डिस्कशन एंड थैंक यू वेरी मच अरसलान फॉर कमिंग टू माई शो एंड थैंक यू वेरी मच